क्लास नाइन्थ हिंदी, क्षितिज भाग एक में काव्यखंड में अध्याय नौ कबीर पाठ को हम पढ़ेंगे। कबीर जी के जीवन परिचय पहले जान लें। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। इस प्रकार ये 180 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहे। उनके बारे में अनेक किंवदंतियाँ मिलती हैं। कुछ का मानना है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इन्हें पाला पोसा था। कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान बहुत अधिक था। कबीर के समय में भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। हिंदुओं और मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ रही थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया और उन पर तीखा प्रहार किया। उनका विश्वास था कि प्रेम पूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। कबीर की प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनका ग्रंथ बीजक है। कबीर का काव्य साखी सबद, जिसे पद कहते हैं, रमायणी के माध्यम से जाना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्म गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। भाषा शैली, कबीरदास जी सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया जिसे आसानी से सभी लोग समझ सकें। संस्कृत के तद्भव शब्दों के साथ ये स्थानीय बोलियों के शब्द को भी अपने पदों में संजोया। भाषा शैली के माध्यम से उनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। अब इनकी शाखियाँ, पहली जो शाखी है, मान सरोवर सुभरस जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगैं, अब उड़ी अनत न जाही। प्रसंग इसका है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से लिया गया है। इस साखी में कबीरदास सांसारिक विषय यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इनसे मुक्त व्यक्ति के बारे में दर्शाते हुए कहा है। जीव सुषुम्ना मार्ग में पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से परिपूर्ण भरे हुए कुंड में केली कर रहा है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाही। इस सुख को छोड़कर वह अन्यंत्र दूसरी जगह नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आत्मा सांसारिक जटिलताओं से छुटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है,
तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। इसमें जो कठिन शब्द हैं, मानसरोवर मानव चेतना का वह चरम बिंदु जहां साधक आनंद को प्राप्त कर भाव विभोर हो जाता है। सुभर, सुभर का अर्थ होता है स्वच्छ। मुक्ताफल, मुक्ताफल हंस का पर्यायवाची शब्द है और हंसा का अर्थ होता है हंस। इसमें विशेष क्या है? जीव ब्रह्म के मिलन के आनंद का त्याग नहीं कर सकता। जीव परम ब्रह्म के मिलन के आनंद का त्याग नहीं कर सकता, यानी सभी जीव ये चाहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो। कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से छुटकारा पाने की प्रेरणा दी है। केल कराही मुक्ताफल, मुक्ता में इसमें अनुप्रास अलंकार है। केल कराही मुक्ताफल, मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरी साखी है इनकी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रसंग वही होगा, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर द्वारा रचित साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीर ने अपने आप को प्रेम कहा है, अपने आप को प्रेम कहा है। प्रेमी भी कैसा, जो खुद अपने प्यार को ढूंढ रहा है। इस प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर का कहना है, कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूं, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय। अर्थात इस संसार में प्रेमी की तलाश में मैं फिर रहा हूं, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसकी प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें, प्रेमी से तात्पर्य है ईश्वर का भक्त। प्रेमी प्रेमी के मिलन से बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। जब दो प्रेम आपस में मिलते हैं तो बुराइयां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। इस साखी में उदाहरण द्वारा समझाया गया है। दोहा और छंद सरल भाषा में है, जिसे सभी ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरा पद है इनका, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, ढूंढन देज झक जार। एक बार फिर से सुने, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जग मारी। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक में संकलित कबीर द्वारा रचित साखियों में उद्गृत है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से
कबीर ने ज्ञानी या ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले को सचेत किया है। कबीर कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज सब का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। स्वानी रूप संसार है, स्वानी भूकन दे झकमार। स्वानी का अर्थ होता है कुत्ता। शब्दार्थ देखें तो हस्ती मतलब हाथी, सहज यानी सहज शब्द प्रयोग कर, सहज शब्द का प्रयोग कबीर जैसे ज्ञानमार्गी कवियों ने किया है। सहज यानी आसान, दुलीचा आसन बिछाने का कालीन, जिसे आम चाल की भाषा में लोग गलीचा भी बोलते हैं। स्वान, स्वान का अर्थ कुत्ता होता है। भूकन दे यानी भौंकने दो, झकमारी यानी जबरदस्ती। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। ऐ मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है, जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अहंकार त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। विशेष क्या है इसमें? इसमें रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। इसमें एक मुहावरा का भी बड़े सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है, झक मारना। कबीर ने ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करने की सीख दी है। संसार को ज्ञानियों पर कटाक्ष करने वाला भी बताया गया है। कबीर दास जी ने अपनी इस साखी के माध्यम से यह बताया गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, समाज के लोग या संसार के लोग उन पर कटाक्ष करते हैं, बार बार उन पर कटाक्ष किया जाता है। अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीर ने संत और सज्जन की परिभाषा दी है। कबीर बताते हैं कि संत और सज्जन किसे कहते हैं। शब्दार्थ, पखा पखी, पखा पखी पक्ष और विपक्ष, समर्थन और विरोध भी कह सकते हैं हम इसको। भूलान रहा, भूला हुआ अर्थात खोया हुआ। निरपक्ष, निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष, जो किसी के पक्ष में ना हो, जो सही निर्णय हो वो बताना। सोई, सोई का अर्थ है वही। संत, संत सज्जन, और सुजान यानी ज्ञानी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान,
सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर किसी की बात में न आकर अर्थात निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है, अर्थात इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में रहता है, जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है वही व्यक्ति सज्जन है, वही संत है। निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। निरपक यानी निरपक्ष बताया गया है इसमें। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर किसी की बात में न आकर, यानी जो किसी का पक्ष न ले और किसी की बात न आए में न आए, वो क्या हो गया? निरपक यानी निष्पक्ष हो गया। निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर का भजन करता है या ईश्वर के बारे में ही सोचता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। संसार में वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में रहता है, न तो वह किसी के पक्ष में रहता है न किसी के विपक्ष में रहता है, केवल परमात्मा का भजन करता है और उस भजन से ही प्यार करता है, वही व्यक्ति सज्जन है, वही व्यक्ति संत है। विशेष इसमें क्या है? सोई संत सुजान। सोई संत सुजान इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। साधुकड़ी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, जो साधु लोग आम चाल की भाषा बोलते हैं, स्थानीय भाषा बोलते हैं, उस भाषा का इसमें इस साखी में विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इन्हीं पंक्तियों से तुल्य अर्थ रखती हुई तुलसीदास की भी पंक्तियां हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजिल गत शुभ सुमन ज्यो सब सुगंध कर दोय। इसी पंक्ति से यानी संत के कैसी परिकल्पना जैसे कबीर दास जी ने की है, ऐसी ही परिकल्पना तुलसीदास जी ने भी की है। समान चित्त हित अनहित नहीं कोय, समान चित्त हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन ज्यो सम सुगंध कर दोय। इसी की तरह कबीर दासी ने भी व्याख्या की है। कबीर ने बिना किसी भेदभाव के भक्ति करने वाले को सज्जन कहा है, यानी जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वो किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो व्यक्ति उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, वो किसी भी जाति में भेदभाव नहीं करते। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि जो निर्णय दें वो पक्ष में दें, जो सही हो उसी के पक्ष में दें, चाहे वो धनी हो या निर्धन हो, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं करनी है। कबीर दास जी ने व्यवहारिक ज्ञान दिया समाज को, क्योंकि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने अपनी बातें कही उस समय की कसौटी पर एकदम खरा उतरी। वो व्यवहारिक पक्ष पे विशेष ध्यान देते थे और वो यह जानते थे कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है
जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।